पिछले साल नवंबर महीने से जारी किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत हर रोज सरकार की नजर में आने के लिए कोई ना कोई बयान जारी कर देते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन पर ध्यान ना देते हुए टिकैत की मंशा पर पानी फेर दिया जाता है। इस बार भी टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही किसानों को एक बार फिर दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने को भी कहा है। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शामली के महापंचायत में किसानों से कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा कर रखें, कभी भी दिल्ली की कॉल आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए अपनी पेंशन छोड़ दे। राकेश टिकैत ने आगे ये भी कहा कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, कानून खत्म होना चाहिए। बिना पूछे आपने कानून बना दिया और फिर पूछते हो कि इसमें कमी क्या है। अनाज को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, भूख पर व्यापार करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। गौरतलब है कि इससे पहले टिकैत बागपत में भी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। बागपत में उन्होंने कहा था अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो किसान 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेगा। महापंचायत में उन्होंने कहा दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा, पूरे देश से किसान 40 लाख ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचेगा। किसान ट्रैक्टर में तेल डालकर तैयार रहे, कृषि कानून बनने से पहले उद्योगपतियों के गोदाम बन गए, इनको तोड़कर छप्पर में तब्दील किया जाएगा, देश को लूटने वालों को भागना पड़ेगा। राकेश टिकैत नासमझी में सरकार को एक के बाद एक अल्टीमेटम तो दे रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार उनके अल्टीमेटम का जवाब अपने एक एक्शन से दे सकती है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि अन्य राज्यों में भी टिकैत ने बैठक का ऐलान किया है। जिन राज्य सरकारों ने टिकैत के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी भी कर ली है, ऐसे में टिकैत की गीदड़ फबकियां किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि टिकैत जैसे राजनीति करने वाले किसान नेताओं की असलियत जल्द ही बाहर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।